हेलो जी, क्या हाल है सबके। इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करूंगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द एजिस ऑफ आशा एंड निथि इज 540। इफ ट्वाइस द एज ऑफ आशा इज मोर देन निथि एज बाय 6 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ आशा। आशा की एज ढूंढनी है। तो ए पे जो ऑप्शन दिया है वो दिया उन्होंने 18 ईयर्स, बी पे जो दिया है वो 20, सी पे दिया 16 ईयर्स, डी पे दिया 22 एंड ई पे दिया नन ऑफ दीस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये आगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जो है लेट दी एज ऑफ ए एस आशा एंड जो निथि है NITHI निथि बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर एस पी सी टी आई वी एल वाई रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में उन्होंने प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट हम कर लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई जो भी हमारे उन्होंने दे रखा है 540। तो जब उन्होंने बोला कि ट्वाइस द एज जो है वो बन जाएगा वाई प्लस सिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या बन गया, तो x आ गया हमारा ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा वाई प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू। तो जो हमारा y प्लस सिक्स है डिवाइडेड बाई टू है इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने x की वैल्यू डाल दी ऊपर वाली इक्वेशन में, जो हमारी पहली पहली वाली इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यू डाली, तो ये आ गई 540। ये अपनी इक्वेशन वन है, ये अपनी टू है, बस वैल्यू पुट करिए टू की वन में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वाई का स्क्वायर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 1080। तो उसके बाद जब अब बेसिकली अब तुम्हें समझ में आ चुकी है इक्वेशन को देख के, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा 1080 ये होता है जिसको हम प्लस माइनस करके हमें 6y बनाना, तो ये होता है अपना 30 मल्टीप्लाई बस जब तुम 36 करोगे तो वो 1080 होगा। तो ये आ गया वाई और वाई प्लस 36 जो आ गया वो आ गया 0। तो जब हमारे पास मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई वाई का 30 और माइनस 36। पर जब हम देखें क्योंकि एजेस कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये जो है विल बी एलिमिनेटेड हो जाएगा, ELIMITED एलिमिनेटेड हो गया। तो हमारी वाई आएगी 30, तो जो आशा की एज आएगी तो आशा की एज आएगी वो आ जाएगी हमारी 540/30 जो आ गया हमारा इक्वल टू 18 ईयर्स, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो है ए हमारी ऑप्शन आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो, इंजॉयबल लगी हो, मज़ा आया हो सॉल्यूशन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो बाकी मैं और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा जो एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं, ताकि आप सबको मदद मिलती रहे। और थैंक यू।